हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. कम टू द पेज नंबर 8 ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 1 एंड टुडेज टॉपिक इज द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन. ओके, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन बता दिया था. ठीक है, स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा था आपको इस पूरे चैप्टर को एज अ स्टोरी लेना है. स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, स्टोरी स्टार्ट हुई थी हमारी 14 जुलाई 1789 में, जहाँ पे पेरिस में बहुत ज़्यादा हौश पौश मची हुई थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हुई थी. लोग तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे और काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहे थे. ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन था. उसके बाद वो सब स्टार्ट क्यों हुआ ये मैंने आप लोगों को बता दिया. ठीक है, अभी उसके आगे की स्टोरी हम जानते हैं. तो उसके आगे की स्टोरी है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन. लास्ट तक मैंने आपको बताया था कि फाइनली जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 3 स्टेट्स में डिवाइड हो गई थी. दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट और सेकेंड नोबेलिटी और हाई क्लास लोग थे, और थर्ड स्टेट वाले थे हमारे जो मर्चेंट्स, लैंड ओनर्स, फार्मर्स और सारे लोग, प्रोफेशनल और एजुकेटेड लोग जो सारे टैक्सेस पे कर रहे थे. ठीक है, अब आगे की बात जानते बचा. फ्रांस का जो ओल्ड रिज्म था, ठीक है, वो क्या था, वहाँ पे मोनार्च नहीं चलता था. ठीक है, अब आप लोग पूछोगे मैम मोनार्च क्या होता है, तो बेटा मोनार्ची वो एक सिस्टम होता है जहाँ पे पूरा जो भी रूलर है वहाँ का, जो किंग है, उसके हाथ में सारी पावर्स का होना और उसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री का चलना मोनार्ची कहलाता है. ठीक है, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट ना हो. लेकिन जो फ्रांस का रिजाइन था, वहाँ पे प्रिंस के, किंग के होने के बाद भी वहाँ पे मोनार्च के अंदर सारे टैक्सेस की पावर नहीं थी. मतलब वो अकेले सारे टैक्सेस को नहीं इम्पोज कर सकता. ठीक है, और ना है, इसलिए वहाँ पे जो किंग है वो क्या करता था, किंग सारे स्टेट्स के को बुला करके एक मीटिंग रखता था और फिर सारे नए प्रपोजल्स, सारे न्यू टैक्सेस के को पास करता था. ठीक है, द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी. अब स्टेट जनरल क्या होती है, स्टेट जनरल क्या होते हैं, पॉलिटिकल बॉडीज होती हैं जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक है, स्टेट जनरल्स क्या होते हैं, सारे स्टेट्स की कुछ ऐसी पॉलिटिकल बॉडीज जो उन्हें रिप्रेजेंट करेगी, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी. तो उन सबको बुला करके, उनके साथ एक मीटिंग करके ही वहाँ पे किंग क्या तय करेगा, वहाँ पे किंग टैक्सेस को इम्पोज करेगा. ओके, टैक्सेस डिसाइड करेगा, न्यू टैक्सेस. तो ये वाली जो मीटिंग थी ना, ये काफ़ी समय पहले हुई थी फ्रांस में. कब हुई थी, 1614 में. ठीक है, 1614 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई थी. बट अब जो लुइस थे वहाँ के किंग फ्रांस के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 मई 1789 को डेट्स बहुत अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स. कब, 5 मई 1789 को एक असेंबली बैठाई और सारे स्टेट्स के जनरल्स को बुलाया गया ताकि हम नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, तो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट है उन्होंने अपने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, और जो हमारी थर्ड स्टेट है उन्होंने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे. अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो अनफेयर हो जाएगा, एक वो दोनों 3 3 और 6. तो बेटा मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में ही बता दिया था कि 90% पॉपुलेशन कहाँ पे थी, थर्ड स्टेट पे, है ना. तो उनके 600 भी वो कम नहीं हुए. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जो थर्ड स्टेट, फर्स्ट और सेकंड स्टेट में सारे प्रॉस्परस और एजुकेटेड, थर्ड स्टेट में भी जो प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर्स थे, सिर्फ उनको ही उस असेंबली में एंट्री मिलती थी. उसके अलावा जो पीजेंट्स, आर्टिस्ट और वुमेन थी, उनको तो असेंबली में, वो जो असेंबली किंग करता था टैक्सेस को रिन्यू करने की, वो वहाँ पे उनको डिनाई कर दिया जाता था, उनको मिलती ही नहीं थी एंट्री. ठीक है, किनको मिलती थी, सारे प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स को. ठीक है, अब वो जो वहाँ पे मीटिंग बैठी हुई है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले तो आपस में मिले हुए हैं, तो जब उनके यहाँ से वोटिंग होगी तो वो लोगों के मेजॉरिटी वोट से तो वो जीत ही जाएंगे. तो इनके इसमें क्या होगा, जो थर्ड स्टेट है उनको
वोट्स नहीं मिलेंगे और वो आगे नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए जो थर्ड स्टेट के लोगों थे उन्होंने क्या प्रपोजल रखा किंग के सामने, दैट हमें ईच स्टेट हैड वन वोट, सारे स्टेट्स को अपना अपना वोट देना है। बट एट दैट टाइम किंग ने वो रिजेक्ट कर दिया कि हम आपके इस प्रपोजल को नहीं रख सकते, ठीक है, हम ईच मेंबर वुड हैव वन वोट वाली पॉलिसी को नहीं अपना सकते। जैसे ही किंग ने उनके प्रपोजल को डिनाई किया, वो सब भड़क गए, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के बहुत ज़्यादा गुस्से में आए और वहाँ से चले गए, ठीक है। ऑन 22 दे असेंबल्ड, और आफ्टर वो उस असेंबली से जाने के बाद, जो असेंबली 5 मई 1789 में हुई थी, अब उन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, ठीक है, किनके, थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे 600 उनके अंदर, क्योंकि उनके प्रपोजल को डिनाई कर दिया गया था, ठीक है। अब उन्होंने आपस में एक सेपरेट कम्युनिटी रखी और एक हॉल में 20 जून 1789 को सब लोग इकट्ठा हुए, ठीक है, सब लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पे उन्होंने उस असेंबली में क्या रखा कि अब तो हमें अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है, और ताकि हम इस क्रूरल किंग के हाथ से उनकी पावर्स को छीन सके, तो फॉर दैट हमें क्या चाहिए, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो सारी जो पावर्स है उस किंग के हाथ में वो उसे नहीं मिलेंगी, राइट। और जो भी ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, कहने को तो वहाँ पे मोनार्च नहीं चलता था फ्रांस पे, लेकिन अल्टीमेटली तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले अपना वोट देकर मेजॉरिटी से जीतकर पार्शियलिटी तो करते ही थे, है ना। तो अब ये जो थर्ड स्टेट वाले थे, इन्होंने जो इनका जब डिनाई हुआ और इन्होंने आपस में सोचा कि अब तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमारा, तो अब जब इन्होंने ये चीज़ रखी कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो फॉर दैट वॉट दे वॉन्ट इज लीडर, ठीक है, अ गुड लीडर, इनको एक पावरफुल पर्सन और एक लीडर की ज़रूरत थी। अब क्या हुआ, इनकी हेल्प के लिए दो लीडर्स थे, दैट इज़ मैराब्यू एंड एबी सिलेस, इन दोनों ने क्या किया, इनका सपोर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। अब आप लोग पूछोगे, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, हालांकि ये जो मैराब्यू और एबी थे, ये दोनों थर्ड स्टेट्स के नहीं थे, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे, दैट इज नोबल फैमिली के थे, बट ये लोग क्यों कन्विंस हो गए इनका सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनको ये लग रहा था ये कुछ अच्छे लोग थे और इन्हें ये लग रहा था कि थर्ड स्टेट वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है, तो दे वर एग्री टू सपोर्ट दैम, ओके। अब इन्होंने क्या किया, अब जो ये मैराब्यू थे, ये काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट और काफ़ी अच्छा लिखते थे, ठीक है, काफ़ी अच्छा पब्लिश करते थे, और हमारे जो एबी थे, एबी सिरस, वो क्या करते थे, वो काफ़ी अच्छे इफिनिशियल पैम्पलेट्स वगैरह लिखते थे, ठीक है, और उन्होंने कैसा पैम्पलेट लिखा, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, इस कॉन्टेस्ट पे उन्होंने पूरा लिखा, क्या लिखा, इस पे उन्होंने एक पूरा पैम्पलेट लिखा, ठीक है। अब क्या हुआ, इतना सब होने के बाद हम सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं कि नाउ रेस्ट ऑफ द फ्रेंच कंडीशन, अब जो यहाँ से हट करके, ये सारी चीज़ें तो हो गई, इससे हट करके अब फ्रांस की और क्या कंडीशन थी, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वेरसनी ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सिटेड विथ टर्मोइल, ठीक है। क्या हुआ, जब पूरी नेशनल असेंबली सब लोग बिजी थे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो बाकी जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो सब बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्या परेशानी थी उनकी, अ सर्वर विंटर, सर्वर विंटर मतलब फ्रांस में बहुत ज़्यादा ठंडी होने के कारण जो उनकी फसलें होती थी वो ख़राब हो जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा जो वहाँ पे ब्रेड के प्राइजेस थे वो ज़्यादा बढ़ते ही बढ़ते जा रहे थे। अब आप बोलोगे मैम ब्रेड ही क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्रेड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, वहाँ पे सबके लिए एक अच्छा फूड ग्रेन था ब्रेड, ठीक है। अब यहाँ से प्राइजेस ब्रेड के बढ़ते जा रहे हैं, पीपल उतना पे नहीं कर पा रहे उसके लिए, है ना,
थर्ड स्टेट के लोग उतना पे नहीं कर पा रहे ब्रेड को परचेज करने के लिए। अब बेकर भी एक्सपोइंट कर रहा है, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं तो वो अपनी सप्लाई को रोक दे रहा है और लोग खड़े हैं लाइनों में बहुत टाइम तक, ताकि वो बेकरी की लाइनों में खड़े हैं कि थोड़ा हम ब्रेड कलेक्ट कर सकें, ठीक है। और इसी के कारण, बड़ी बड़ी लाइनों में लगने के कारण, जो वुमेन्स का क्राउड था वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गया, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे इनकी फसलें खराब हो रही हैं, ठीक है, बाकी कंट्री साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी फसलें खराब हो रही हैं, एक जगह इनके ब्रेड के प्राइसेस मिल बढ़ते जा रहे हैं, ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी, एट दैट सिचुएशन, एट दैट सेम टाइम किंग ने क्या कर दिया, किंग ने, क्योंकि पैरिस में कुछ लड़ाई वड़ाई हो रही होगी, तो किंग ने क्या कर दिए, कुछ अपने ट्रूप्स, दैट इज अपने जो आर्मी है, उनको भेज दिया लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो अब जब उन्होंने ये न्यूज़ सुनी, जब पॉपुलेशन ने, थर्ड स्टेट के लोगों ने ये न्यूज़ सुनी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया और जो बेस्टल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। कब? ऑन द मॉर्निंग ऑफ, ऑन 14 जुलाई। देखो स्टूडेंट्स, हम पूरा घूम फिर करके उस फर्स्ट मॉर्निंग में आ गया ना, जहाँ से हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। 14 जुलाई 1789 में मॉर्निंग से हमने स्टार्ट किया था कि बहुत दंगे हो रहे थे, बिल्डिंग स्टोरी जा रही थी, है ना, बेस्टाइल्स तोड़े जा रहे थे, ये सब हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि ये क्यों हो रहा था। तो आपने रीज़न जाना कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा था, बिकॉज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थी प्राइसेस के कारण, अपने प्रॉब्लम्स के कारण, ऊपर से उनके प्रपोजल्स को डिनाई कर दे रहा था किंग, उनको आगे नहीं रख रहा था, और ऊपर से फिर आर्मी भी भेज रहा था ताकि लड़ाई करे। तो ये सारे यूमर्स, जो इतनी सारी चीज़ें फैली हुई थी, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे लोग। और पेस्टाइल क्या होता है? पेस्टाइल होता है सिंबल ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग, एक ऐसा सिंबल जो किंग की पावर को दिखाता है, ठीक है, उन सबको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा जो कंट्री साइड है, गांव में, देशों में, हर जगह, विलेज, सारे जगहों पे ये न्यूज़ स्प्रेड हो गई कि जो लैंड्स ओनर हैं और जो जिनके बड़े बड़े मैंशंस होते हैं, जो मैनोर हैं, वो सब लोग हमारी फसलों को ख़राब करने आ रहे हैं। देखो बच्चों, आप लोग समझो कि ऑलरेडी इन्होंने, जो पॉपुलेशन है थर्ड स्टेट की, उन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो ऊपर से उनको एक और न्यूज़ सुनने को मिलती है कि उनकी फसलों को ख़राब करने कुछ मैनर्स आ रहे हैं, जिनके कारण तो लोग और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगे, और भी ज़्यादा अग्रेशन आने लगा, उनके अंदर एंगर आ गया, और उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जो भी कोर्ट्स थे, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, सबको तोड़ना स्टार्ट करना, जलाना सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे रिकॉर्ड्स को जला देना, और बहुत सारी चीज़ें करी। जब इन्होंने ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट की, फाइनली अब जो लुइस थे, उन्होंने क्या कर दिया, लुइस फाइनली अकॉर्डेड, रिकॉग्नाइज टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब उसने, लुइस ने फाइनली क्या कर दिया, बोला गया कि ठीक है, मैं अब नेशनल असेंबली की, थर्ड स्टेट की प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ, और उनके अकॉर्डिंगली उनकी पावर को भी हम चेक करेंगे इन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हुआ ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 को, जब असेंबली ने क्या पास किया कि हम उनकी पावर्स को आगे रखेंगे। इसका मतलब अब जितने भी फेडरल सिस्टम था, टैक्सेस थे, हाई टैक्सेस, वो सब हट गए, ठीक है। जो भी मेंबर्स थे, जो प्रिविलेजर्स थे, वो हट गए कि भाई अब आप जो पैदाइशी प्रिविलेजर के ठप्पा लेके पैदा होते हो, वो भी हट गया, ठीक है। उसके बाद थिथिस वर एब्सॉइड एंड लैंड ओनर बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। उसके बाद जो चर्च अपने अंदर लैंड को रखता था और उसके बाद उस पर टैक्सेस लेता था, वो सब खत्म हो गया। और सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया एज अ रिजल्ट, कि जो गवर्नमेंट ने अपने 2 बिलियन लिवर्स बैड डेप्ट्स में डाल दिए थे, वो सारे रिकवर हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना स्टार्टिंग में कि अमेरिका को दिए थे लिवर्स और 2 बिलियन रिवर्स इंडिपेंडेंस के लिए, वो उनको मिले नहीं थे। इसी के कारण तो
लुइस टैक्सेस और प्राइसेस बढ़ाता जा रहा था कमोडिटीज़ के, तो स्टूडेंट्स वो सब बैड डेब्ट्स कैसे रिकवर हो गए, क्योंकि जो थर्ड स्टेट्स के लोगों ने लूटपाट मचा के रखी थी, वहाँ से बड़े बड़े मैंशन से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा जो लोगों ने काला धन इकट्ठा करके रखा था वो सब ले आए. ओके स्टूडेंट्स, सो रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.